तो दोस्तों हमारे किसी साथी ने हमसे पूछा था कि टावर क्रेन में जो काउंटर वेट लगते हैं उसका वेट क्या होता है, तो हम आपको वेट के बारे में बताना चाहेंगे कि वेट डिपेंड करता है बूम की लंबाई पर, यानी मेन जिप की लेंथ पर। तो अगर हमारे पास में 50 मीटर की बूम है तो उसमें हम दोस्तों ये भी बता दें कि हम ACE की टावर क्रेन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वही अवेलेबल है, तो उसी के बारे में हम आपको बता पाएंगे। तो अगर 50 मीटर की आपके पास में लेंथ है बूम की, तो उसमें 2500 केजी के 4 लगेंगे काउंटर वेट और 1250 केजी के 2 लगेंगे। तो इसमें जो टोटल है वो 6 हो गए हैं। और ये किस तरह से हम आपको बता दें कि अगर 50 मीटर की लेंथ है बूम की तो उसमें 2500 केजी के 4 और 1250 केजी के 2, तो टोटल हुआ ये 12.5 टन। अब अगर हमारे पास में इसके अलावा बूम की लंबाई है 55 मीटर तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर 55 मीटर की बूम लेंथ है तो ये 3300 केजी का इसमें 1 रहेगा और 2900 केजी के 3 रहेंगे और 1.5 टन यानी 1500 केजी का 1 रहेगा। तो इसमें 5 हमारे काउंटर वेट होंगे। तो इसमें हम दोबारा बता देते हैं कि 55 मीटर की बूम में 3300 केजी का 1 और 2900 केजी के 3 और 1500 केजी का यानी 1.5 टन का 1, तो टोटल हो गया ये 13.5 टन। तो ये 13.5 टन हुआ 55 मीटर वाली में और 12.5 टन हुआ 50 मीटर में, तो 5 मीटर पे ही ये 1 टन का फर्क पड़ गया इसमें। अगर बूम की लंबाई कम होती चली जाएगी तो उसी तरह से काउंटर वेट भी घटते चले जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा हमसे आपको कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा हम आपको एक टावर क्रेन है ACE की जो 5540 है, उसको खोलने के लिए अगर आप हमारे से ये वीडियो चाहते हो तो इसे कमेंट में आप जरूर बताएं, क्योंकि हमारा समय भी लगता है और समय के अलावा पैसा भी खर्च होता है जाने आने में, और दोस्तों मेहनत भी लगती है। अगर हमारी वीडियो पे ऐसे व्यूज कम आते हैं तो हमारा कभी कभी दिल टूट जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट करो, अगर वो क्रेन आपको खुलते हुए देखनी है वहां से, हम उसका आपको अभी फोटो भी दिखाएंगे, उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। अगर वो क्रेन ACE की 5540 क्रेन मॉडल नंबर है, अगर वो क्रेन आप खुलते हुए देखना चाहते हो और उसको दूसरी जगह लगते हुए देखना चाहते हो, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें कि किस तरह से वो वहां से हम खोल करके दूसरी जगह पर लगाएंगे। और उसके अलावा एक क्रेन जो 16 टन की है ACE की, वो भी अगर आप लगते हुए देखना चाहते हो तो उसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो उसको भी हम लगते हुए दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो पे व्यूज बहुत कम आते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमारा मनोबल थोड़ा टूट जाता है। ना कोई वीडियो को लाइक करता है और ना ही ज्यादा चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है, क्योंकि हमारा सफर लगभग 1.5 साल का हो गया है लेकिन हमारे पास में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग ऐसी है नहीं, तो हमें लगता है कि हम व्यर्थ में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो ये क्रेन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, 5540 नंबर की ACE की टावर क्रेन है ये। अगर आप इसको यहां से खुलते हुए देखना चाहते हो कि ये किस तरह खुलेगी और दूसरी जगह जाके ये किस तरह लगेगी, तो इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें कि हाँ इसकी वीडियो आपको चाहिए, तो हम उसमें समझ जाएंगे कि कितने आदमी इसे देखना चाहते हैं। अगर कमेंट 2, 4, 10 ही हुए तो फिर हम इसका क्या करेंगे बना के दोस्तों। तो इसको हम यहां से फिर खोलते हुए आपको दिखाएंगे अगर कमेंट ज्यादा हुए तो। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि एक ACE की 16 टन की जो क्रेन है वो अगर VFD की है, वैसे ये भी VFD में ही है दोस्तों, तो वो भी VFD में है, तो उसमें इससे ज्यादा फीचर्स हैं, ये उससे छोटी है और वो जो 16 टन की है उसमें बहुत सारे फीचर्स इससे अलग हैं। उसका कैबिन ये हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह का उसमें लुक है कैबिन के, इसका टर्निंग, ये टर्निंग टेबल हो गई आपकी और ये कैबिन हो गया, और कैबिन का अंदर का व्यू ये अभी नीचे ही ऐसे ही रखी हुई है, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखो इसमें फीचर्स कुछ ज्यादा दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि अगर आप इन सब की वीडियो चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की